ओके स्टूडेंट, टुडेज वी विल डू एक्सरसाइज 4.4। बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.4, लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, ओके। देयर वर सो मैनी इक्वेशंस वी हैव सॉल्व्ड, ओके। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सिंपल इक्वेशन एंड ट्राई टू सॉल्व। 2x+3 इज इक्वल टू 4. 2x+3 is equal to 4. It is a simple equation. To solve this equation, what is the first step? You take to solve this equation is 2x+3 is equal to 4. Okay. We have learned to keep x on LHS and all things must be on RHS. R variable should on RHS and all things should be on LHS. If we subtract 3 from both sides, what will you get in the next step? Why we are subtracting 3 only? You can subtract any number. It is very important to know that why we are subtracting 3 only. Why we are not subtracting 4, 5, -3, okay? Because of we are subtracting 3 from both side, because of subtracting 3 reduce the LHS to x. Subtracting 3 reduce the LHS to x, okay? Let's see another example. Not a coefficient of x. Not with a coefficient of x. Coefficient of x in this question is 1. Okay, if you subtract 1 from both sides, what will you get? X plus 1 minus 1 is equal to what? 4 minus 1. Ye karoge aap. Theek hai? अब हमने 1 को ही सबट्रैक्ट क्यों किया? 4 भी सबट्रैक्ट कर सकते थे, 3 भी सबट्रैक्ट कर सकते थे। अगर आप इसमें से 4 सबट्रैक्ट करते तो क्या मिलता आपको? LHS में क्या मिल जाता? x माइनस 3 मिल जाता। फिर भी x क्या हुआ? सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या होगा? LHS में लेफ्ट हैंड साइड में x को ही रखना, बस केवल x को कैसे वहाँ पर रखेंगे? किसी भी तरह से रिड्यूस करेंगे। LHS को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 जब सबट्रैक्ट करोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 मिल गया। सो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 3। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो x क्या हुआ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली सी अनदर एग्जांपल, 2x+4 = 6। टू रिड्यूस LHS to x, what will you do? You have to subtract 4 from both side. Either bhi subtract karoge or either bhi subtract karoge. So 2x+4, it is given. It is in LHS. Already it is given. Ab 4 aap kya kar doge? Subtract kar doge. To 6 minus 4 idhar bhi ho jayega. Ab ye kya ho jayega? Cancel ho jayega. Idhar kya milega? 2x aur yahan pe kya milega? 2 mil jayega. Ab aapko kya karna? Abhi bhi x kya hai? एक साथ टू मल्टीप्लाई में एक्स को क्या करना है?
केवल LHS में x को ही रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x-2 मिल जाएगा। 2 ऐड भी करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x+2 मिलेगा। तो ये हमें नहीं करना है। क्या हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, 2x मल्टीप्लाई में अगर हम लोग दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दोनों साइड को आप 2 से डिवाइड कर दो, ये भी मिल गया, ये यहाँ डिवाइड कर दिया, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इज़क्ल टू क्या मिल जाएगा हमें, 1 हो जाएगा, x=1। अब x=1 क्या है, इसका सॉल्यूशन मिल गया, x=1 क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज 4.4। हेयर सो मैनी वर्ड प्रॉब्लम, सो टू सॉल्व एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट वी हैव टू मेक सिंपल इक्वेशन देन सॉल्व। ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज 4.4। आई हैव सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। ओके, हियर यू आर सीइंग दैट द एक्सरसाइज 4.4 आई हैव रिटन क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑल्सो। सो इट इज़ अ वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1, टूडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2A इज वॉट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाइएस्ट मार्क्स इज 87, वॉट इज द लोवेस्ट मार्क्स। इन क्वेश्चन टीचर टेल्स द क्लास द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। सो हियर इट इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव नो आइडिया अबाउट लोवेस्ट मार्क्स, means here we have to assume that lowest marks is what, any variable. I have assumed that lowest marks is 7, lowest marks is x. Okay, so according to question highest marks is what, highest marks is twice the lowest marks plus 7, and highest marks is indicated that it is 87. So twice the lowest marks is 2x according to question highest marks is what, 2x+7, but highest marks is given that it is 87. So we can equate 2x+7 = what, 87. Now to solve this equation we have to proceed step by step. First step, you will write there what, transpose 7 from LHS to RHS or subtract 7 from both sides. Why we are subtracting 7? If you subtract 7, then what will happen? Why not you are subtracting 8 from both side? हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, LHS रिड्यूस होके x बस केवल बचे, ठीक है। या तो आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो 7 को क्या कर लो, ट्रांसपोज कर दो, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में 7 को ट्रांसपोज कर दिया है। जब आप किसी भी नंबर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, 87-7 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो गए आप लोग। सो 2x = क्या हुआ, 80 मिल गया हमें, 2x = 80। अभी भी x क्या है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल x के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है। इफ़ वी डिवाइड बोथ साइड बाई 2,
देन एक्स इज सेपरेटेड. ओके सो आई हैव डिवाइड बोथ साइड बाय टू. ओके तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स मिल जाएगा और 80 अपॉन 2 मिलेगा. सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 40. सो द लोवेस्ट मार्क्स इज व्हाट, लोवेस्ट मार्क्स इज हियर 40. सो द लोवेस्ट मार्क्स इज 40, इट इज द आंसर. ओके स्टूडेंट, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 2B. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 2B हियर, इट इज वेरी वेरी ईजी एंड वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अस. हियर ज्योमेट्री इज ऑल्सो अप्लाइड. ओके प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल. ओके प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अ रिव्यू ऑन आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल इज व्हाट, अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. सो आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच आई हैव टेकन ए बी इज इक्वल टू ए सी, दीज टू साइड्स आर इक्वल. अंडर प्रॉपर्टी इज व्हाट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो हियर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर व्हाट, एंगल बी एंड एंगल सी. एंड दिस एंगल बी एंड एंगल सी आर नोन एज बेस एंगल. दिस एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी known as base angle. Okay, so let see question number 2B. In an isosceles triangle the base angles are equal. Okay, we know it is a property of an isosceles triangle. The vertex angle is what, 40 degree. I have mentioned here angle is a vertex angle. What are the base angle of the triangle? Okay, so we know that under property of a triangle, angle sum property of a triangle I have mentioned here, angle sum property of a triangle, sum of all angles of a triangle is 180 degree. Okay, लेट सी द सोल्यूशन. लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. हमने क्या कर लिया है, ए बी सी को आइसोसेलस ट्रायंगल मान लिया है, ड्रॉ कर लिया. ओके इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 40 degree, इट इज गिवन हियर एंगल ए इज 40 degree, वर्टेक्स एंगल इज वॉट 40 degree, इट इज ऑलरेडी गिवन. लेट द बेस एंगल इज एक्स डिग्री. हमने क्या यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि ये जो बेस एंगल बी और सी है वो क्या है, एक्स डिग्री है. ठीक है, जो बेस एंगल इक्वल होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. अब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इम्प्लाई दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 degree. सो 40 degree प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 degree. नाउ 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 degree, ये हो जाएगा. नाउ ट्रांसपोज 40 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन वाई वी आर ट्रांसपोजिंग एट एडिंग एट सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स टू बोथ साइड. ओके सो ट्रांसपोज 40 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट गिव यू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40. सो 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140, 2x इज इक्वल टू 140. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 2. अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ क्या मिल जाएगा, 140 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू 70. सो x इज इक्वल टू 70 इज व्हाट, x इज इक्वल टू 70 इज द, ये क्या है, मेजर ऑफ बेस एंगल. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. सो इसका हमें आंसर मिल गया क्या, 70. इसका हमें आंसर मिल गया 70 degree. ओके स्टूडेंट,
अब हमें क्या करना चाहिए, 2c को सॉल्व करना चाहिए। तो 2c देखते हैं क्या है। ओके हियर क्वेश्चन, 2c इज व्हाट, यू आर सीइंग हियर 2c, क्वेश्चन नंबर 2c, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टूगेदर देयर सम फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। ओके इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सचिन का स्कोर है उसका राहुल के स्कोर से 2 times अधिक स्कोर किया है, किसने, सचिन ने। अगर राहुल का स्कोर x होगा तो सचिन का स्कोर क्या होगा, 2x होगा। अगर राहुल का स्कोर y होगा तो सचिन का स्कोर क्या होगा, 2y होगा। ओके दोनों ने क्या किया है, दोनों के मिलाकर शेयरिंग कितने रन की हुई है, 198 की हुई है। ओके दोनों का मिलाकर भी क्या हुआ है, 200 नहीं बना पाए हैं, ठीक है। देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी मीन्स 200 - 2 ही बना पाए हैं। ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द स्कोर ऑफ राहुल इज व्हाट वाई, क्योंकि हमें पता नहीं है, बस केवल ये मालूम है कि राहुल का जो स्कोर है उसका 2 times किसने स्कोर किया है, सचिन ने स्कोर किया है। तो हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा राहुल के स्कोर को क्या हमने मान लिया, वाई। सो सचिन स्कोर इज व्हाट, 2y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2y प्लस वाई इज्कवल टू व्हाट, 200 - 2। ओके सो 3y इज्कवल टू 198। ओके नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 3 टू सेपरेट द वेरिएबल, वी हैव टू डिवाइड ना, आई हैव एक्सप्लेन प्रीवियसली, टू सेपरेट वेरिएबल्स हम लोग क्या करते थे, या तो ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, या तो क्या करते थे, डिवाइड या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से ही डिवाइड करना पड़ता, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ उसी से आपको डिवाइड करना। तो यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। सो वाई इज्कवल टू क्या मिल जाएगा, 198 अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 66, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 66। तो वाई को हमने क्या मान रखा है, राहुल का स्कोर मान रखा है, क्या मान रखा है, राहुल्स का स्कोर। ओके सो द सचिन स्कोर इज व्हाट, 2y, 2y मीन्स 2 × 66 विच गिव्स 132, इट इज द आंसर। ओके सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव रिटन हियर क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, 2nd नॉट 1st। सो क्वेश्चन नंबर 3, 1st इज होमवर्क फॉर यू, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3rd, 2nd। इन 3rd, 2nd क्वेश्चन इज व्हाट, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old, लक्ष्मी के पापा की एज क्या है, 49 years old है, ठीक है, लक्ष्मी के पापा 49 years के हैं। ओके ही इज 4 years older than व्हाट, 3 times लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी के एज का 3 times प्लस 4 है, ठीक है, उनकी एज, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। वॉट इज द लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी का एज नहीं दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी के पापा लक्ष्मी के एज का 3 times से 4 क्या है, 4 years और बड़े हैं, ठीक है। सो वी हैव टू एज्यूम लक्ष्मी's एज, आई हैव एज्यूम दैट लक्ष्मी's एज इज व्हाट, x, लक्ष्मी's एज इज व्हाट, x, सो 3 times ऑफ द लक्ष्मी's एज इज 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट
दिस 3x प्लस 4 इज द एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, बट इन क्वेश्चन इट हैज ऑलरेडी मेंशन दैट लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. सो वी कैन इक्वेट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट लक्ष्मीज फादर्स एज. सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट 49. ओके नाउ ट्रांसपोज 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ ट्रांसपोज 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू वॉट 49 माइनस 4. 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4 तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45. ओके साइन तो चेंज हो जाएगा ना, 4 को इस साइड आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 4 मिलेगा. 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49, सो 4 को इधर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 3 बिकॉज ऑफ 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स. टू रिमूव द वेरिएबल वी हैव टू डिवाइड बाई 3 टू बोथ साइड. इसको इससे कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा ये. सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 45 अपॉन 3. अभी कैंसिल हो गया, ये क्या मिल जाएगा 15. एक्स इज इक्वल टू 15 हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15 ईयर्स. वॉट इज द एक्स, एक्स इज वॉट लक्ष्मीज एज. लक्ष्मी की एज क्या है, एक्स ईयर्स. तो लक्ष्मी का एक्स ईयर्स है तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, एक्स इज इक्वल टू वॉट 15 ईयर्स. सो द लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स. इट इज द आंसर, इट इज द आंसर. ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके इन क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ थर्ड, पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज. द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर दैन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. वॉट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77. ओके इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुंदर ग्राम के लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, विलेज गार्डन में. सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिसमें क्या लग रहे हैं, फ्रूट लग रहे हैं. कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर दैन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर दैन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. टू मोर दैन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. वॉट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77. अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे. क्या नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस वी हैव टू फॉर्म सिंपल इक्वेशन, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है. ओके लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स. अब ये क्या है, 77 क्या है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है. नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज 77, इट इज मेंशनड इन क्वेश्चन हियर. इट इज मेंशनड 77. 77 क्या है, नॉन फ्रूट ट्रीज है. तो कह रहे हैं नॉन फ्रूट ट्रीज हैं जो, वो क्या है, टू मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द फ्रूट ट्रीज. सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77, वी कैन राइट इट. ओके नाउ 3x इज इक्वल टू वॉट 77 माइनस 2. अब माइनस 2 क्यों यहाँ पे लिखा, हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, इसका हमने कहाँ कर दिया है, लेफ्ट टू राइट कर दिया है. ओके सो 3x इज इक्वल टू 75.
थ्री एक्स इक्वल टू 77 माइनस टू 75। अभी आपको क्या करना है, थ्री यहाँ भी है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किस नंबर से, थ्री से करना होगा। थ्री से डिवाइड करोगे तभी तो क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, केवल एल एच एस में वेरिएबल बचेगा। अगर आप फोर से कर दोगे तो नहीं होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको नहीं अभी बताया गया है। ओके, सो वी हैव टू डिवाइड बाय थ्री। ओके, हमने डिवाइड थ्री से किया, ये थ्री इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, और ये 75/3 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 75/3, एक्स इक्वल टू 25। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 25 हो गया। सो द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज उस विलेज गार्डन में कितने लगे हैं, 25। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो गया और हमारा ये आंसर हो गया, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इन विलेज गार्डन इज 25। ओके, दस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.4। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल। ओके, सो आई थिंक यू हैव डन प्रीवियस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3। ओके, सो टूडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 4.4। डू इट इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड द पिक ऑफ द सॉल्यूशन एट माय ईमेल आईडी। ओके, ओके स्टूडेंट, हमने थ्री फर्स्ट को नहीं किया था ना, चलो थ्री फर्स्ट भी सॉल्व कर देते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव। इन दिस क्वेश्चन इट हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट इरफान हैज 37 मार्बल्स। ओके, बट एंड द कंडीशन इज हियर व्हाट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। जो परमित के पास मार्बल है उसका 5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल्स किसके पास है, इरफान के पास। इरफान कह रहा है, इरफान इज सेइंग दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। सो परमित के पास कितना मार्बल हमें नहीं मालूम है। सो वी हैव टू एज्यूम दैट परमित हैज वाई मार्बल्स। ओके, लेट द let permit has y marbles। परमित के पास कितना मार्बल है, वाई मार्बल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन फॉर्म सिंपल इक्वेशन, वो कैसे। अब इरफान के पास 37 मार्बल्स है, यहाँ पे मेंशन किया, वो इरफान बोल रहा है इरफान के पास क्या है, 37 मार्बल्स हैं। अभी 37 किसके इक्वल है, कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। तो हमने मान लिया कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, वाई मार्बल्स हैं। सो 5 टाइम्स आप वाई इज व्हाट, 5y। अब 5y प्लस 7 इक्वल टू 37, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। हमने क्या 37 लिखा है, बिकॉज ऑफ इट इज़ द नंबर ऑफ मार्बल्स विच हैव इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। सो वी हैव इक्वेटेड, सो 5y इक्वल टू व्हाट, 37 माइनस 7।
इज़क्ल टू 30, 5y इज़क्ल टू 30। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 5, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 5y इज इक्वल टू 30। इफ़ यू डिवाइड बोथ साइड बाय 5, यू विल गेट y इज इक्वल टू 30/5। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 6। ठीक है, y के उसके पास y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6 मिल गई। तो परमित के पास कितने मार्बल्स हो गए, परमित हैज ओनली 6 मार्बल्स। वी हैव एज्यूम दैट ना परमित हैज y मार्बल्स। इफ वी गेट y इज इक्वल टू 6 मीन्स परमित हैज 6 मार्बल्स। परमित के पास कितने मार्बल्स मिल गए, परमित के पास ये मार्बल्स हैं, ये हमें पता चल गया। ओके, सो वी हैव कम्प्लीटली डन एक्सरसाइज 4.4। डू इट इन योर फेयर नोटबुक एंड सेट इट ऑन एंड सेंड इट ऑन माई ईमेल आईडी। थैंक यू स्टूडेंट।